वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और इस वक्त हम है कनाडा कंट्री के एक बहुत बड़े एप्पल फार्म पर। 100 एकड़ का फार्म है इनका, बहुत सारी सब्जियां भी बेचते हैं। और ट्रैक्टर मुझे इंडिया जैसा लगा था, मैंने कहा चलिए यार मज़ा आ रहा है देखकर, मैं चलिए थोड़ी सी वीडियो शूट भी करें और आप तक पहुँचाएँ भी। बिल्कुल इंडिया वाली लुकिंग लग रही है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया ही है। बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं, सब्जी में देख सकते हो। और एप्पल तो क्या कहने यार, ये हैंसी क्रैप आप खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए करते हैं उनका इंटरव्यू, पूछते हैं उनसे। और ये सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ये चीज़ें सारी, काफ़ी बड़ा ये बिग फार्म यहाँ पर। और आइए उनसे बात भी कराता हूँ जिनका फार्म है, उनसे पूछते हैं और सब कुछ बताऊँगा आपको। मैं आज से 3 साल पहले यहाँ पर आया था और 2 साल कोरोना के चलते हम लोग नहीं आए, लेकिन अब दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। और वेलकम बैक, और हम वेलकम स्वागत करते हैं जी आपका एक बार फिर जियो कनाडा पर। हमारे साथ हैं ये हमारे एक मित्र, इनका नाम भी पूछते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनसे इनके फार्म पर, बहुत बड़ा एप्पल फार्म है इनका। तो इनका नाम भी पूछते हैं, पूरा नाम बताइए अपना। कितने एकड़ का फार्म है आपका? 100 एकड़। अच्छा, तो एप्पल कौन कौन से हैं जी आपके पास यहाँ? बहुत चलो बहुत बढ़िया यार, बाग भी बहुत बढ़िया जी। बच्चे एंजॉय कर लेते हैं ना, फिर घूम फिर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। आपका नाम शुभ सर? विचित्र सिंह मेरा नाम। कितनी जगह है आपको? 35 एक है, 35 एक स्ट्रॉबेरी है, बाकी सब्जियां। स्ट्रॉबेरी है इस वक्त? स्ट्रॉबेरी खत्म है, जून है जुलाई चुनती है। अच्छा, चलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, हाँ जी, हाँ जी, आना चाहिए। पेड़ों पर लगे हुए देख सकते हैं जी, ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी, और कितने लदे पड़े हैं ये एप्पल। कनाडा में लगते हैं पेड़ों पर एप्पल। मैं आपको और काफी वैरायटी दिखाता भी हूँ आपको, रेड रेड बहुत अच्छे। और इनसे परमिशन लेके मैं तोड़ूंगा भी ये। और ये लगे पड़े हैं सेबों की, काफी लंबा यार ये बाग। और ये देख सकते हैं, दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ आपको जो कि ग्रीन है लेकिन काफ़ी मीठे हैं ये भी। और इसकी काफ़ी दूर तक फैला हुआ ये भी इनका बाग, दूर दूर तक फैला हुआ ये देख सकते हैं। 100 एकड़ का ये फार्म है और लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर, अपने आप तोड़ सकते हैं और ये इंजॉय करते हुए सब खरीदारी करते हुए। और फिर आ चुके हैं जी हम सेब के बाग में ही, और काफ़ी खूबसूरत काफ़ी ढेर जमा हुए हुए यहाँ पर, ये बिल्कुल रेड यार, मज़ा आ रहा है देखकर ही। और एक तोड़ के खाते भी हैं यहाँ से, और जो कि हमने परमिशन ले भी लिए इनसे। कौन सा लें ये बताइए आप। और ये सेब हमने तोड़ लिया है जी, देखने में भी ये कितना डिलीशियस लग रहा है। और मुझे छूट दिए उन्होंने, मेरे दोस्त हैं ये जिनका ये फार्म हाउस है, इनकी मैंने वीडियो शूट की थी और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप ले सकते हैं, तो थैंक यू इनका भी। सेब ही सेब, क्या कहने यार। ये छोटा सा सेब एक मुझे और लिया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए खा कर आपका टेस्ट भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप तो मेहरबान है जी, आप देख सकते हैं। और लो जी ये यहाँ पर काफ़ी, इसको क्या बोलते हैं पूछवाता हूँ मैं आपको, लेकिन अच्छी खासी तादाद में दिखेंगे आपको। ये कद्दू की तरह ही होता है जैसे, और कनाडा में आपको दिखेगा ये जलवा, भारत की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू नज़र आएगी आपको इन खेतों में। और कुदरत ने भी काफ़ी बख्शा है यहाँ का। और ये हैं जी तरबूज,
वाटर मिलन भी कहते हैं इनको, और काफी तादाद में लगे हुए आप तोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं जोन सा आपको पसंद हो पैसे देकर। ये जी हेल्विन के लिए, लेकिन होते कद्दू टाइप ही हैं और लगे हुए देख सकते हैं आप खेतों में अच्छी खासी तादाद में। और कीजिए एंजॉय आप कनाडा कंट्री में। और यो भी सरसों का साग भाई वाह, ताज़ा ताज़ा तोड़िए अपने हाथ से और जाके मक्का की रोटी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। ये भी एक अपना ही कमाल है यार, कनाडा कंट्री में मिले आपको इंडिया वाली चीज़ क्या कहने। और ये देख रहे हैं लोग बाग तोड़ रहे हैं यहाँ से, कोई टमाटर कोई सब्जी, कई तरह की सब्जियाँ लगी हुई दूर दूर तक फैला हुआ ये फार्म हाउस। ये हैं जी बैंगन छोटे छोटे लगे हुए और काफ़ी अच्छी तादाद में लगे हुए हैं छोटे छोटे, देखिए आप कितने अच्छे। और लोग बाग यहाँ पर पिकिंग करते हुए एंजॉय करते हुए आज का सैटरडे। और ये पिकिंग करते हुए जी लोग यहाँ पर अपनी मर्जी की, इतना कलरफुल है। और ये देखिए लोग बाग सब करते हुए, मौसम देखो कितना सुंदर है, मौसम भी आज काफी खूबसूरत और ऊपर जहाज भी खूबसूरत उठा हुआ, क्या कहने यार मजा आ गया भाई देख के। यहाँ पर यहाँ आकर आपको फीलिंग होगी कनाडा कंट्री की। ये जी हरी मिर्च, बहुत ज्यादा कड़वी नहीं होती लेकिन अच्छी होती है ये मिर्च, बहुत अच्छा पेड़ ये भी। दिल कहे रुक जा रे रुक जा तू यहीं पे कहीं, और वाकई में यार जगह ही ऐसी है कि दिल कर रहा है कि हम रुकने गए। और फॉल का सीजन भी हो चुका है जी शुरू, और काफ़ी आपको दिखेगा यहाँ पर नज़ारा। और ये सब्जी पिक करते हुए लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये शिमला मिर्च के पेड़, शिमला मिर्च लगी हुई यहाँ पर, शलजम भी लगे हुए हैं जी यहाँ पर, काफ़ी पेड़ आप देख सकते हैं लगे हुए यहाँ पर तोड़ सकते हैं फ्रेश। ये हरियाली और ये रास्ता यार कितना खूबसूरत नज़ारा है, जितना भी देखो आपका दिल भरेगा ही नहीं। और ये सामने मकई की फसल, यहाँ पर तीन फसल होती है कनाडा कंट्री में, गेहूँ मक्का और सोयाबीन की, काफ़ी अच्छी खासी। ये होता है जी एप्पल का बैग जो को भर सकते हो, उसकी प्राइस है $20 उस टाइम से, छोटे छोटे लेकिन हैं यार बड़े देख सकते हैं, ओहो क्या कहने मजा आ जाएगा आपको खाकर भी यार, बढ़िया बहुत टेस्ट। और पार्किंग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी भरी हुई, और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी तादाद में, दब्बी के एप्पल फार्म, और काफ़ी बड़ा फार्म यार ये इनकी शॉप है जी, लोग तोड़ के लाते हैं यहाँ पर आराम से पेमेंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं लाइन में लगे हैं अच्छी खासी लोग यहाँ पर आए हुए आज, और कुछ आ भी रहे हैं, गाड़ी देख सकते हैं आप आ रही हैं। लो जी सेब ही सेब, और यार कितने बढ़िया सेब हैं, मज़ा आ रहा है देख के जी। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकॉन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए। आपके साथ हमारा सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, बाय जियो। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुरपार उतारन हार।